पहला सवाल रहेगा दीपक प्रकाश जी, देखिए अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो घोषणा होने के बाद बिहार में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं, बीजेपी की बात करें तो कितनी उत्साहित है? बिहार के तपोभूमि, बिहार के कर्म भूमि में आज प्रधानमंत्री का जमुई में एक बड़ा विशाल रैली को संबोधित करेंगे। और ये सच में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनके भाषण को सुनने पर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति पैदा होती है, क्योंकि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं, समर्थ और शक्तिशाली भारत बनाने वाला नेता है, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों की चिंता करने वाले नेता है। और सच में आज एक एक बिहार के एक एक नागरिक आज प्रधानमंत्री जी को उनके चुनाव अभियान के प्रथम आगमन पर दिल की गहराई से उनका अभिनंदन कर रही है। बिल्कुल, और दीपक जी एक तरफ देखिए चिराग पासवान बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार, वो भी मंच साझा करेंगे पीएम मोदी के साथ। निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन एक मुश्त है, एकजुट है, और एक ही लक्ष्य है कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए और 400 की संख्या पार की जाए। तो दूसरे तरफ जो घमंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन आपस में कलह, निवेश और विनिवेश के झंझाल में फंसा हुआ है, इसलिए जनता की नब्ज को पहचानने वाले वो लोग नहीं है। जनता की आत्माएं कहती है कि इस बार 400 पार। और अगर बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो चिराग और नीतीश दोनों पहली बार एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। निश्चित तौर पर मैं जमुई में ही हूँ और यहाँ की जनता को काफी एक नया उत्साह और एक नई ऊर्जा मिल रही है कि मंच में वो लोग बैठे हैं जो विकास के प्रतिनिधि और जिन्होंने बिहार में विकास करके दिखाया है, ऐसे नीतीश कुमार जी है, चिराग पासवान जी है, हमके हमारे नेता है और साथ में भारतीय जनता पार्टी, ये सभी सम्मानित नेता कहने से स्पष्ट है कि संदेश है कि एक तरफ विकास के प्रति करने वाले लोग हैं तो दूसरे तरफ हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां विपरीत हैं, उनके खिलाफ है जो उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार का। बिल्कुल, और देखिए लोकसभा चुनाव में अब कम ही वक्त बाकी रह गया दीपक जी, और लगातार देखिए आपके तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर हमारी जीत होगी। निश्चित तौर पर हम 40 के 40 एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को बिहार की जनता निर्वाचित करेंगे। नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, समर्थ और शक्तिशाली भारत बना है और पूरा आज एक एक गरीब का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में गरीबों के साथ, मध्यम वर्गों के साथ खड़ा नरेंद्र मोदी जी ने। कोरोना की लड़ाई में मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि महिलाओं की उज्ज्वला योजना, इज्जत घर, ऐसे कई योजनाओं को महिलाओं के बाद सम्मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया और 29 के चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण दे करके महिलाओं को एक प्रतिष्ठा, एक राजनीतिक ताकत देने का काम प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। और सच में कहा जाए राम मंदिर जो 500 वर्षों का जो सपना था उसको साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता मोदी जी के साथ है, उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, जिन्होंने घोटाले करने का काम किया अपने परिवार और अपने परिवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।